अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हजरात, आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शादाब अली सैयद, आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। जैसे आपको पता है कि हम लोग अभी मुंबई में हैं, अभी हम लोग मुंबई नासिक हाईवे पे हैं और आज हम लोग आए शालीमार ढाबा पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खाना सर्व करें। चलिए शालीमार ढाबा, क्योंकि एक आदमी चाहिए जो आपको पूरा दिखा सके। बहुत बड़े वास्ट एरिया में इनके ढाबे पहले भी होते हैं, जैसे आपने पहले हमारा वीडियो देखा होगा करिश्मा का, हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी खाया। आज हम लोग यहाँ हैं शालीमार ढाबा और साथ में हमारे कौशल भाई हैं। क्या नाम आपका? कौशल साहब, कैसे हैं आप? तो चलिए पूरा ढाबा आपका है वो हमको दिखाएं, कहाँ का लोग बैठ सकते हैं, बेस्ट खाना क्या है, फिर हम लोग चलिए खाने के लिए तो सेक्शन है वो ये पूरा जेंट्स का सेक्शन है। देखिए कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे। ये पूरा अगर आप जेंट्स के साथ आएंगे तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। आप अपन चलते हैं, और कौन सेक्शन आपके पास? सुपर भी चला, वो भी देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर भाई कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं आप यहाँ पे? यानी पूरे इसमें ढाबे पे 400-500 एट अ टाइम बैठ सकते हैं। ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा आप, तो अगर कभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ आएंगे तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, जोधपुर से बॉम्बे हम लोग अपने दोस्तों को लेके आएंगे तो यहाँ हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह जब भी आना होगा। अब चलिए चलते हैं और इनके हमारा सेक्शन है वो भी आपको दिखा दें। चलिए देखिए कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं माशाल्लाह। चलिए क्या बात है, ये इसका सेक्शन है या फैमिली का सेक्शन? यहाँ पे फैमिली जाए दो साथ बैठ सकते हैं। आ जाए भाई, बहुत कॉपरेट कर रहे हैं पूरे ढाबे का टोर चला रहे हैं। ढाबे इतने बड़े होते हैं, आपने हमारा करिश्मा ढाबे का भी वीडियो देखा होगा कैसे हम लोग ऐसे पूरा कॉपरेट किया हमारे साथ। ये देखिए ये जो सेक्शन है मतलब इसमें ये पर्दा सिस्टम है, कॉटन डाल के अलग से कैबिन बन जाएगा, यहाँ पे जेंट्स भी बैठ सकते हैं और फैमिली के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए ये सेक्शन आपको दिखा दिया, अपन चलते हैं नीचे। आप अपन चलते हैं और क्या सुकून ज्यादा रहता है माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए ये सेक्शन जो आपको दिखा दिया हम लोगों ने, अब चलते हैं अपन वो जो मैं देखा है कि एसी का भी आपके पास सेक्शन है। आ जाए वहाँ भी देखते हैं, आ जाए फैमिली के लिए आ जाए। ये देखिए पूरा इन्हों का फैमिली सेक्शन बना हुआ, ये पर्दे भी प्राइवेसी के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन पूरे प्राइवेसी के लिए ढाबे पे अपने पूरा सिस्टमेटिक काम किया हुआ है। फैमिली सेक्शन है और साथ साथ इन्होंने क्या ये पर्दे का सिस्टम लगाया हुआ है ताकि फैमिली के साथ भी आए तो भी एकदम प्राइवेसी आपको मिल सके। चलिए ये भी दिखा दिया, बाहर चलते हैं और जो प्लेइंग जो एरिया बच्चों का हर ढाबे पे प्लेइंग एरिया मिलेगा ताकि बच्चे बोर्ड नहीं हो। आ जाए ये पूरा जो सेक्शन है ये भी सिर्फ फैमिली के लिए, अगर आप ओपन एयर में बैठना चाहे तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, मतलब हर टाइप की सुविधा इन्होंने आपको दी हुई है। पूरा फैमिली के लिए आपको याद रहे कि आप लोगों ने यहाँ खाना खाया। जैसे हमारा तो बॉम्बे तो आना होता नहीं है, हम लोग तो साल में एक बार आते हैं, तो जब भी हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो ढाबे हैं वो कवर करना बनता है यार। अभी तो हमने ये शालीमार कवर किया, फिर देखो इंशाल्लाह अगर फिर से आना हुआ हमारी ज़िंदगी ने वफा की तो फिर से हम लोग आएंगे बॉम्बे और फिर से शूट करेंगे। आगे ये पूरा गार्डन का एरिया और जैसे प्लेइंग एरिया, बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और बच्चों की जैसे अगर हम लोग वहाँ खाना खा रहे हैं बच्चों को यहाँ पे अकेले छोड़ेंगे तो सेफ्टी रहेगी ना पूरी। यहाँ पे आपने आदमी रखे होंगे ना एक दो, जो पूरा ध्यान रखेंगे उनका सेफ्टी रहता है, सेफ्टी रहता है, आदमी को देखते रहता है, कोई ऐसा जा सकता बच्चा रहता है जी जी ऊपर देखते रहते हैं, हाँ दे सकता। चलिए इनका एक और सेक्शन फैमिली का वो दिखाते हैं, फिर हम लोग बैठते हैं और फिर हम लोग खाना खाएंगे। आप रूफ टॉप कह सकते हैं, जोधपुर में रूफ टॉप का बहुत ट्रेंड है और अभी जो मौसम भी बॉम्बे का बहुत अच्छा है यार, आराम से बैठ सकते हैं। चलिए पूरी
ढाबा आपको दिखा दिया है। आप जो रोशन भाई उनसे पूछते हैं, जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम है भाई साहब, क्या आप हमको क्या खिलाएंगे मेन्यू, तो हम लोग पूरा देखेंगे। स्टार्टर से आप हमको बताएं क्या बेस्ट है अपने यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा चलता है स्टार्टर में। यहाँ का बंजारा कबाब है, पहाड़ी तंदूरी भर्रा, चिकन ड्राई फ्रूट। चिकन ड्राई फ्रूट मैंने सुना है कि बहुत फेमस है पूरे ढाबे का ना, डबल एग का, जीसीसी, कोली बड़ा, मेनू कार्ड हमारा। हाँ, और अगर मेन कोर्स में, मेन कोर्स में यहाँ का सालीमार स्पेशल, सालीमार स्पेशल हांडी, राजवाड़ी, गोल्डन, बिनारी, दरबार हांडी, तो ये सब हम लोग ट्राई करें। क्या बैठा है यहाँ बैठना सर। हम लोगों का मेन्यू हमारे, इनका यहाँ मेन्यू हमारे सामने है, लेकिन अर्शद भाई जो हमारे साथ में है, जो यहाँ का देखते हैं पूरा फिलहाल। पहले हमने हमारे साथ रोशन साहब थे जिन्होंने पूरा टूर किया, अब यहाँ पे हमले साथ में है अशरफ भाई जो हमारा ऑर्डर लेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इनका, आपका क्या, एक तो ड्राई फ्रूट चिकन बहुत फेमस है ना, एक तो चिकन ड्राई फ्रूट लेंगे, और अभी इन्होंने लॉन्च किया है दरबार हांडी के नाम से। दरबार हांडी अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपको वो ऑर्डर करना चाहिए जैसे अशरफ भाई ने बताया। तो चलिए ये दोनों चीज़ हम ऑर्डर करेंगे, उससे पहले आपको पूरा मेन्यू दिखा देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे किचन में और देखते हैं खाना कैसे बना। ये देखिए शालीमार ढाबा का जो मेन्यू है वो हमारे सामने है, चलो इसको ओपन करते हैं। देखिए स्टार्टर्स में इनके पास इतनी सारी वैरायटी यार, देखिए बंजारा कबाब है, कसरी कबाब है, नवाबी कबाब है, लेकिन हम लोग इनका ये लेंगे चिकन ड्राई फ्रूट, ये रहा हाफ लेंगे हम लोग बिकॉज हमको और भी शूट करना है। देखिए उसके बाद इनकी जो ग्रेवी है, फिश है इनके पास में, और उसके बाद आप आ जाए चिकन में, जो मेन कोर्स है वो आपको मिल जाएगा देखिए। लेकिन हम लोग जो ने जो ऑर्डर किया है वो इस मेन्यू में नहीं है, अभी इन्होंने लॉन्च किया है, ऐड करेंगे उसमें चिकन। गोल्डन इनका बहुत फेमस है, सूखा मसाला इनके पास में हो जाएगा, बोनलेस में भी इनके साथ इतनी सारे वैरायटीज़ है माशाल्लाह। उसके बाद आप आ जाएँ इनका बोनलेस चिकन में, मतलब काफ़ी सारे आपको इनके मेन कोर्स मिल जाएंगे। फिर आप आ जाएँ जो मटन के जो डिशेज़ हैं, शालीमार स्पेशल ड्राई इनके पास में, काली मिर्ची मटन हो जाएगा, स्पाइसी कबाब हो जाएंगे, रंग सूखा मसाला हो जाएगा। फिर आप आ जाएँ रोटी इनके पास बहुत सारी हो जाएगी, राइस में ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास हैं, सूप्स हैं, नूडल्स हैं। अब अपन वेज की बात करेंगे तो वेज में भी आपको, जैसे अगर 5-6 लोग नॉन वेज के होते हैं तो उसमें एक वेज तो होती होता है, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। देखिए ऐसा नहीं कि 2-3 आइटम है, पूरी वेज में भी इनके पास लिस्ट है। देखिए क्या बात है यार, दाल खिचड़ी सब कुछ, पनीर वनीर सब मिल जाएगा आपको। पनीर में इनके पास एक अलग से सेक्शन है जिसमें आपको पनीर मिलेगा, देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। वेज नूडल्स मिल जाएगी, चाइनीज़ में आपको बहुत आइटम मिल जाएंगे, वेज स्टार्टर्स है, राइस है, स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएं सूप है, आइसक्रीम है इनके पास में, डेजर्ट आपको मिल जाएंगे। सीताफल का बहुत ट्रेंड है यार यहाँ पे, क्योंकि अभी सीताफल सीजनल है तो आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे। चलिए और ये इनका देखिए, इन्होंने इसमें ये जो भी इनके जो भी सिग्नेचर डिशेज़ हैं ये फ़ोटो इन्हीं के हैं जो इन्होंने खींच के रखे हैं। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया, आप चलते हैं इनकी किचन में और देखते हैं हमारा खाना। इनकी किचन में जा रहे हैं, देखिए पूरा इतना ज़बरदस्त किचन बना हुआ है माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखिए ये तंदूर, अच्छा तंदूर के सारे आइटम यहाँ बनते हैं देखिए माशाल्लाह। तो अशरफ भाई बताइए कौन कौन से हैं, ये बंजारा कबाब है, ये तंदूरी कबाब है, और ये पहाड़ी कबाब है। और देखिए कौन उस्ताद आप बनाते हैं, क्या नाम है आपका? राजेश भाई हूँ। राजेश भाई माशाल्लाह आप, मैं देख रहा हूँ आपने इसमें मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है और एकदम ऐसे लग रहा है, एकदम जूसी लग रहा है। तो ये जो है ये स्टार्टर के सारे आइटम ये लोग लगाते हैं, आ जाए ये हाथों हाथ आप फ्रेश ही आप कटिंग करते हैं, क्या बात है, कटिंग करके बनेगा हाथों हाथ, और मैरिनेशन नहीं हाथों हाथ ही बनाते ही बनाते हैं। ये देखिए कटिंग हो रहा है पूरा, और ये अब अपन चलेंगे इनके किचन में, मतलब क्या बात है, देखिए बोनलेस निकाल रहे हैं। ये देखिए अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? परवेज, परवेज भाई, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद परवेज भाई। अब आप हमारे लिए एक तो ड्राई फ्रूट चिकन बनाएंगे और एक आपका जो स्पेशल है, हाँ आधा बॉयलर का दरबार हांडी हो गया, और एक आपका जो स्टार्टर है जो ड्राई फ्रूट चिकन वो आप हमारे लिए बनाएं, कब बनाएंगे आप हमारे लिए? देखिए ये कस्टमर का जो परवेज भाई है वो कस्टमर का बटर चिकन भी बना रहे हैं, मैं इनको बोल के नहीं आया, फिर भी देखिए इनका जो सेक्शन है पूरा नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह, क्या बात है। ये बटर चिकन बना रहे हैं परवेज भाई, क्या बात है, ये क्रीम है ना परवेज भाई, ये देखिए क्या बात है, किचन का सेटअप देखो यार माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ये बटर चिकन बन रहा है इसका।
अभी ये दरबार हांडी लगाएंगे पहले आप। चलो दरबार हांडी लगाएंगे, इनका जो स्पेशल आइटम है वो। लेकिन इनकी कढ़ाई देखो यार, इनकी कढ़ाई माशाल्लाह। क्या क्या डालो परवेज से बता। कड़ी पत्ता, ये कांदा, और इनका जो पेस्ट का जो मसाला ये बना के तैयार रखते हैं वो है ये तड़का, ये कटी हुई मिर्ची, आप ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, ये ग्रीन चटनी, ये ग्रीन चटनी चलेगी इसमें। ये जो दरबार स्पेशल है इनका वो थोड़ा बहुत स्पाइसी होता है ना, और इसमें जो ग्रेवी डाल है वो कौन सी, वो प्याज की होगी ग्रेवी, प्याज का बेस रहेगा। ये सारे जो मसाले वो मिक्स करें इसमें भाई साहब परवेज भाई, और ये धनिया चले, सारे जो मसाले इसमें मिक्स कर दिए। ये हरा मिर्ची चलेगी, हरा मिर्ची तो डाली जिससे क्या है, और ये कश्मीरी मिर्ची डाली आपने वो पत्ती वाली छोटी वाली, हरी है हाँ हरी ना, जो पत्ती पत्ती आती है वो तेज बहुत होती है तेज, हमारे यहाँ तो सब कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं पत्ती वाली। अब ये वहाँ जाएगा, आप यहाँ पे एक टिकट डालेंगे मैरिनेशन नहीं किया हुआ है इसमें, मैरिनेशन बिल्कुल नहीं है, इधर काट के जाना है बस, उसके बाद भी मुझे लग रहा है बहुत सॉफ्ट बनेगा ये मसाला। ये देखिए ये बस हमारा जो दरबार स्पेशल है वो तैयार हो जाएगा, जब तक हम लोग ड्राई फ्रूट का जो चिकन है वो ट्राई करते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट का मसाला बनाएंगे परवेज भाई, मेरे पास चलेंगे वहाँ पीछे उस पर टॉस करेंगे उसमें। ये इनका ढाबे का स्पेशल ड्राई फ्रूट चिकन, ये क्या परवेज भाई थोड़ा बता देना क्या क्या डालना है। लहसुन अदरक है ये देखिए आ जाए। चलिए साहब आप लहसुन अदरक को परवेज भाई से पूरा इसका भूनेंगे अच्छी तरह से, ये काजू जाएंगे इसमें, देखिए डाले भाई साहब परवेज भाई डाले, ये देखिए काजू चलेगा इसमें, क्या बात दोस्तों। लहसुन अदरक और जाएगा इसमें, लहसुन अदरक की मात्रा इसमें थोड़ी ज़्यादा है, उसी का टेस्ट आएगा इसमें। देखिए परवेज भाई ने पूरा लहसुन अदरक जो है वो भून रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि अगर इसको भूनते नहीं है तो बदबू आती है इसमें थोड़ी बहुत, अगर प्रॉपरली भूनते हैं तो मज़ा आया था। पाँच मिनट, ये सॉस है, ये सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस चलेगी इसमें, ग्रीन चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस, टमाटर सॉस, ये टमाटर सॉस चलेगी इसमें, ये किसका है, लामा का चटनी, ये लामा का चटनी चलेगी इसमें, लामा की चटनी है वो किससे बनती है, वो भी लहसुन अदरक से बनती है। अच्छा अच्छा, वो आप यहाँ भी बनाते हैं, अच्छा अच्छा क्या बात है, थोड़ा बहुत इसमें सॉस और जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह। चिकन आएगा अब, चिकन आएगा इसमें फ्राई हो गया, चले भी ये जो हमारा जो चिकन है ड्राई फ्रूट उसके जो पकौड़े हैं वो देखिए भाई साहब फ्राई करें, इसकी जो ग्रेवी जो सॉस इन्होंने बनाई है परवेज भाई ने, ये फ्राई होने के बाद उसमें टॉस होगी और फिर हम लोग उसको खाएंगे माशाल्लाह। इनका चाइनीज़ का सेक्शन है, मतलब हर सेक्शन इनका अलग अलग है, वो फ्राई का सेक्शन है, वो मेन कोर्स का है, ये चाइनीज़ का पीछे आपको दिखाया वो स्टार्टर्स का है ना, ये देखिए मैं इनको बोल के नहीं आया हूँ, फिर भी देखिए एकदम साफ सुथरा काम ये कर रहा है, इनका जो मसाले का जो भी सामान ये रखा हुआ है सारा एकदम नीट एंड क्लीन है। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे तैयारी हो रही है, ये देखिए ड्राई फ्रूट चिकन की तैयारी हो रही है भाई साहब कर रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा ऊपर निकाले, हाँ क्या बात है यार माशाल्लाह। परवेज भाई आप क्या बना रहे हैं, मतलब उसको अपन वापस बनाएंगे, ये मैं चाइनीज का लहसुन थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ अभी, थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगा, ये तो सुल्तानिया ग्रेवी बनाना। अभी क्या बनाएंगे परवेज भाई, ड्राई फ्रूट तो पहले इन्होंने थोड़ा सा मसाला बनाया, अब वापस उसको पलटी करके पूरा तैयार करेंगे। ये देखिए इनकी जो वो पीछे है परवेज भाई सॉस है, ये जो बना के रखा था अभी, जो बनाया था आपने मसाला बनाया था वो है ना, ये हाँ अभी जो मसाला बना के तैयार किया था, आप बटर डालेंगे हम लोग थोड़ा बटर, क्या बात है माशाल्लाह। और ये हमारी ड्राई फ्रूट आ चुकी है, जो पकौड़ा आपने जो बनाया ये देखिए, ये हाफ, ये क्वांटिटी हाफ है यार माशाल्लाह, क्या बात है, बोनलेस है, बोनलेस में। ये देखिए जबरदस्त।
ये सॉस जो मैंने अपने बनाई थी ये तैयार है हमारा ड्राई फ्रूट चिकन, ये देखिए चला गया इसमें। अब दरबार स्पेशल बनाएंगे, ये दरबार स्पेशल की तैयारी होगी, अब सालन बनेगा हमारा, फिर हम लोग चलेंगे ऊपर और उसको ट्राई करेंगे। ये 20 मिनट हो चुके हैं इसको आराम से, और कोई भी इन्होंने मैरिनेशन नहीं किया है ना मसाला लगा के तैयारी की है, फिर भी देखिए आप परवेश भाई का जो कलाकारी देखो, ये डाला था तरी दही दही, अच्छा दही डाला है, थोड़ा बटर डालेंगे, थोड़ा बटर डाला इसमें, दही डालिए, धनिया डाल दिया इसमें, हो गया रेडी है। चलो परवेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलिए ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। ये देखिए ये हमारा ड्राई फ्रूट चिकन है और ये जो हांडी स्पेशल बनाई हुआ है, चलिए ऊपर चलते हैं। आपने देखा ही होगा अब हम लोग इनका जो स्टार्टर है वो ट्राई करेंगे, जो कि ड्राई फ्रूट चिकन है, और आप यकीन माने मैं अभी इनके किचन में था, बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हैं और साथ साथ में ये फ्रेश चिकन कट करते हैं, बिल्कुल भी मैरिनेशन नहीं है, हाथों हाथ पकाते हैं, उसके बाद में भी चिकन बहुत सॉफ्ट होगा, इन्होंने बला है देखिए। और जो इनकी कुक है परवेज भाई वो वाकई में काबिल तारीफ खाना उन्होंने बनाया, मेरे सामने बनाया, चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। चलिए सबसे पहले इनका ड्राई फ्रूट चिकन है वो ट्राई करते हैं, चटपटा है और थोड़ा बस स्पाइसी भी है, और साथ साथ में इन्होंने जो काजू का जो टच दिया ना वो वाकई में काबिल तारीफ है माशाल्लाह। जो स्टार्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे बॉम्बे में हम लोग बॉम्बे में बोलते ना एक नंबर है स्टार्टर। आप पहले ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर हम लोग इनका जो स्पेशल हमारे लिए इन्होंने बनाया है जो मेन्यू में नहीं है दरबार स्पेशल इनकी हांडी है वो भी ट्राई करेंगे, वो थोड़ी स्पाइसी रहेगी, लेकिन हम लोग राजस्थान से जोधपुर से हैं तो स्पाइसी तो हम लोग खाते ही खाते हैं। चलिए पहले स्टार्टर ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर वो खाएंगे। माशाल्लाह हम लोगों का ड्राई फ्रूट चिकन तो हम लोगों ने खा लिया, देखिए ये चावल का खींचिया है, यहाँ पे ये लोग चावल का पापड़ बोलते हैं, इतना सॉफ्ट है ये माशाल्लाह, उसके साथ में इन्होंने शेजवान का डिप दिया है, चलो उसको ट्राई करते हैं। पापड़ बहुत सॉफ्ट है यार। अब बारी इनकी शाही हांडी की, देखिए चलो ये ट्राई करते हैं माशाल्लाह, रंगत तो जबरदस्त है यार। कहाँ गए हमारा नान, इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें, फिर भी नहीं मिले तो इनके नंबर भी इसमें डाल देंगे ताकि आप कभी यहाँ से निकले हैं तो आप इनको कॉल कर सकें और यहाँ पे आके आप इनके खाने का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए मेन कोर्स ट्राई करते हैं, ये देखिए क्या बात है, सॉफ्ट कितनी है यार चिकन, मतलब मैरिनेशन नहीं किया हुआ है तो भी इतनी सॉफ्ट है, तो सोचिए क्या कलाकारी इन्होंने की होगी इसमें, पकाया बहुत अच्छी तरह से इसलिए ये सॉफ्ट है। वाकई हमारे एकदम राजस्थानी स्टाइल में इन्होंने बनाई, देखिए ये जो मिर्ची है ना ये पतली वाली जो मिर्ची होती है बहुत तेज़ होती है, इसकी तेज़ी पूरी इसकी ग्रेवी में आ चुकी है क्योंकि दोनों सारे मसाले इन्होंने मिक्स किए हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा टेस्टी हो गया और तेज़ है। मेरे हम लोगों को तेज़ बहुत पसंद है, हम लोग राजस्थान से हैं, तेज़ खाना हमें बहुत पसंद है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारा जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा बहुत ज़बरदस्त रहा, और यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमको परमिशन दी कि अंदर जाके आप शूट करें तो वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर हम लोग एंड में जाके वीडियो ख़त्म करते हैं। हम लोगों का यहाँ शालीमार में एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, इनका जो ड्राई फ्रूट का जो स्टार्टर था वो काबिल तारीफ़ था, और जो मेन कोर्स था ना वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और बॉम्बे का ये लास्ट वीडियो है हमारा माशाल्लाह, और जो हमारा जो आज का दिन का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा, हमने काफ़ी सारे शूट किए, आपने वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे कि हमने कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ आपके लिए एक से एक वीडियो लेके आए, जैसे एक आपने देखा होगा जो साइकिल पे डोसा बेचते हैं वो 100 टाइप का डोसा बेचते हैं सिर्फ साइकिल पे, तो बहुत से ऐसे हमने वीडियो बनाए, बहुत अच्छा ट्रिप हमारा रहा माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान रहा कि सब कुछ हम लोग सब खैर और आफियत से हमने वीडियो बनाए। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारा बॉम्बे की सीरीज़ भी ख़त्म करते हैं, ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी, शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।